अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बेतिया में बारातियों से भरी बस पलटी, एक की घटनास्थल पर ही मौत, 14 गंभीर रूप से घायल। बेतिया में बारातियों से भरी एक बस पलट गई, इसमें सवार एक दर्जन से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक बाराती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना जिले के साठी थाना क्षेत्र के बहुआरवा मोड़ की है। सोमवार रात नेपाल से सटी के दनियान परसोना बारातियों से भरी बस आई थी। मंगलवार सुबह लौटने के दौरान अनियंत्रित होकर बहुआरवा मोड़ के पास बस पलट गई, इसमें सवार एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक बाराती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर साठी थाना पुलिस पहुंचकर सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं मृतक युवक के शव को पुलिस अपने पोस्टमार्टम के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल भेज मामले की जाँच में जुट गई है। इधर साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि नेपाल से बारातियों से भरी बस साठी थाना क्षेत्र के दलियान पर सोना आई हुई थी। मंगलवार सुबह लौटने के दौरान बहुआरवा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर बस पलट गई, इसमें नेपाल के पोखरिया थाना क्षेत्र के साठी झखरा गांव निवासी ओम प्रकाश शाह गोड़ के रूप में की गई है। वहीं सभी घायल नेपाल के पोखरिया थाना क्षेत्र के साठी झखरा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं सभी घायलों का इलाज बेतिया गवर्नमेंट अस्पताल में चल रहा है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।